बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजपूत कणी सेना ने सैकड़ों की भीड़ ने किया भाजपा जिला कार्यालय का घेराव। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक दुलहरा की गिरफ्तारी को लेकर कणी सेना ने किया भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामा और प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के छूटे पसीने। भाजपा पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद शांत हुए कणी सेना के लोग। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुलंद से एक गांव है वहाँ दुलहरा, आपसी रंजिश का मामला था तो उसमें वो राजनीतिक कारण से वो आपस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नाम जोड़ के उसको कर रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, उस पुलिस अपना काम कर रही है। अब वो फैसला भी कराने में हो सकते हैं। नहीं, मारने पीटने में कहाँ फैसला, मारपीट के में ऐसा लगता है कई बार तो उसमें वो नहीं, लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, लात नहीं, मैं उसमें तो कह नहीं सकता। उसमें कई बार क्या होता है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कई बार फैसला कराना है, आदमी को बीच बिछाव करना है तो उसमें भी ऐसा लग जाता है। अब वहाँ तो है नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच में जिसका भी नाम आएगा कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कानून अपना काम। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जो जिलाध्यक्ष हैं वो निर्दोष हैं, आप ये स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं, वो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी उसको। अगर पुलिस काम कर रही है, पुलिस ने पिछले रात कोई 3 गिरफ्तारियां हुई हैं यहाँ और पुलिस अपना काम कर रही है, अगर उनका नाम है और वो अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और नहीं है तो नहीं होगी। कर्णी सेना और जो पीड़ित पक्ष है और जो गाँव के लोग कुछ लोग हैं उनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनका संरक्षण प्राप्त है आरोपी पर और इस वजह से गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है। नहीं नहीं, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, उनका वो आदमी को लगता ही है ऐसा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इस कारण से कोई मतलब नहीं। देखिए, सिकंदराबाद के दुलहरा गांव है जहां पे मारपीट की एक घटना हुई थी। ये जो लोग आए थे इस पक्ष के लोगों ने पहले प्रधानपति पवन के साथ मारपीट की, बाद में प्रधानपति के भाई दीपक दुलहरा इस प्रकरण में सामने आए और कुछ लोग उनके साथ और थे जिन्होंने मारपीट दोबारा की पहले पक्ष से। इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है। ये जो लोग आए थे इस पक्ष ने जो मुकदमा लिखाया था उसमें 3 लोगों को, जिसमें दीपक दुलहरा के भाई पवन और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक दुलहरा पर है अपने गाँव के लोगों को पीटने का आरोप। दीपक समेत 22 लोगों के खिलाफ सिकंदराबाद कोतवाली में दर्ज कराई गई थी FIR। बुलंदशहर के गंगानगर कॉलोनी में स्थित है भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।